बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको फैक्टराइज करना है, दो पार्ट्स आपको दे रखे हैं। पहले पार्ट में बात करें 27y³ + 125z³। देखिए यहाँ से आपको समझ में आ रहा है x³ + y³ का फॉर्मेट है, और पिछले ही क्वेश्चन में आपने इसका पढ़ा है इसका फॉर्मेट क्या हो जाता है, या इसको जब हम किस फॉर्मेट में इसको हम लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, x + y x² + y² - xy, इस फॉर्मेट में हम इसको लिखेंगे। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए 27y³ और 125z³ है। 27y³ को मैं 3y³ + 5z³ लिख सकता हूँ, जो कि क्या हो जाएगा 3y + 5z। अब देखिए 3y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9y² + 5z का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25z² - 3y × 5z। ठीक है, क्या हो गया ये 3y + 5z, ये यहाँ पर हो गया 9y² + 25z² - 3y = 15y z। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। एग्जैक्टली इसी तरीके से आपका सेकंड पार्ट भी होगा इसका। सेकंड पार्ट करते हैं, 64m³ - 343n³। ठीक है, a³ - b³ यानी कि x³ - y³ का फॉर्मेट है, क्या था, x - y x² + y² + xy। ठीक है, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, तो 64m³ किसका क्यूब हो गया, 4m³ - 343। 7 का क्यूब होता है, मैं दोबारा से यहाँ पर कहूँगा आपको कि क्यूब्स याद रखिएगा, क्यूब्स और स्क्वायर्स आपको जितने याद हैं इस एक्सरसाइज को करने में आपको उतनी ही आसानी होगी। तो ये 7n³ हो गया, ठीक है, क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, 4m - 7n, 4m² + 7m² + 4m × 7n, क्या हो जाएगा, 4m - 7n, यहाँ पर देखिए 4m² = 16m² + 49n² + 28mn, ये आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी।